डिजिटल पीजिटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस थर्ड डे नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर है 26 से यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो डेरिवेटिव्स है या डिफरेंशिएशन किसका होता है उसके लिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शंस है, अगर कोई फंक्शंस है जैसे एल एफ डे सी इक्वल टू आर एफ डे सी इक्वल टू एफ डे सी, अगर तीनों बराबर होते हैं तो ही फंक्शन डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल यानी कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू सी पर। ठीक है, कोई फंक्शन से अगर उसमें एल एफ डे सी आर एफ डे सी बराबर एफ डे सी अगर तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। इस कंडीशन में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तभी क्या डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अब किन किन फंक्शन ऐसे हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं जिनका हमेशा डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है उनके बारे में कुछ लिखा देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है, कुछ ऐसे जिनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कुछ है एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे कि एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन इन एक्स, एक्स का कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स कोई भी रियल नंबर हो उसके सभी मानों पर, एक्स के सभी वास्तविक मानों पर यानी रियल मानों पर एक्स का कोई भी फंक्शन है पॉलीनोमियल फंक्शन वो डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो ये पॉइंट पहले लिखाना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वो तो सभी जानते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलास हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कहाँ ये कंडीशन पूछ लेता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन किस कंडीशन में होता है, इफ एल एफ डे सी इक्वल टू आर एफ डे सी इक्वल टू एफ डे सी। नेक्स्ट है, अगर ए की पावर एक्स है, ए इज ग्रेटर देन टू जीरो, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग टू आर, इन एक्स बिलोंग्स टू आर पे ये भी यानी कि रियल नंबर्स पर एक्स के सभी वास्तविक मानों पर ए की पावर एक्स यानी एक्स ए की पावर एक्स जहाँ पर ए इज ग्रेटर देन टू जीरो इज डिफरेंशिएबल होगा, वह भी डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो इज डिफरेंशिएबल एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, कुछ है 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 2, इस तरह से कुछ भी है, कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो कहेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एक्स बिलोंग्स टू आर यानी एक्स के सभी रियल वैल्यूज पर वो है डिफरेंशिएबल होता है। कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएबल, पॉलीनोमियल डिफरेंशिएबल, तो ये कंडीशन पहले से पता होना चाहिए कौन कौन डिफरेंशिएबल ऑलरेडी होते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 30। द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अब बात आती है
लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ पर डिफेंसिबल होता है? द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफेंसिबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, उसके डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर वह क्या होता है, डिफेंसिबल होता है। ये तो आगे लॉगरिथमिक फंक्शन की बात। त्रिकोणमिति एंड इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन आर डिफेंसिबल इज डोमेन। ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफेंसिबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ये भी त्रिकोणमिति फंक्शन एंड इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन भी डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होते हैं, डिफेंसिबल होते हैं, यानी उन फंक्शन में जो डोमेन होता है डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक पॉइंट्स पर ये भी डिफेंसिबल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लॉगरिथमिक एंड त्रिकोणमिति एंड इनवर्स त्रिकोणमिति द सम डिफरेंस सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एंड कोटेंट ऑफ टू डिफेंसिबल फंक्शन इज डिफेंसिबल। अब देखिएगा इसमें कई सारे पॉइंट एक साथ आ गए, यानी कि सम ऑफ द टू डिफेंसिबल फंक्शन इज डिफेंसिबल, डिफरेंस ऑफ टू डिफेंसिबल फंक्शन इज डिफेंसिबल, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफेंसिबल फंक्शन इज डिफेंसिबल एंड क्वोटेंट ऑफ टू डिफेंसिबल फंक्शन इज डिफेंसिबल। यानी कि दो अगर डिफेंसिबल फंक्शन लिए जाएं, उनका योग, उनका अंतर, उनकी गुणा, उनका भाग, वो सब के सब क्या होते हैं, डिफेंसिबल होते हैं। यानी दो डिफेंसिबल फंक्शन का योग, अंतर यानी कि उनका घटाना, गुणा और भाग, सभी के सभी डिफेंसिबल फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट द कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ डिफेंसिबल फंक्शन इज ए डिफेंसिबल फंक्शन। ठीक है, इनकी कंपोजिशन ऑफ डिफेंसिबल फंक्शन इज डिफेंसिबल फंक्शन। इनके डिफेंसिबल फंक्शन में जो कंपोजिशन पार्ट्स होता है वो भी क्या होता है, डिफेंसिबल फंक्शंस होगा। किसे डिफेंसिबल फंक्शन के लिए, तो ये छोटी छोटी क्या बनी है, कंडीशंस बनी है, कहाँ कहाँ पर डिफेंसिबल होता है, किस किस पॉइंट पर ये डिफेंसिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है नंबर 4, dx ऑफ x। इसको पढ़ा जाता है जैसे मान लें y का डिफेंसिएशन देखना है, y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी वाई का एक्स, वाई कोई फंक्शन से यानी कि वाई इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ एक अवकलन लिखते हैं। तो ये जो है इसको हम जनरली डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, परंतु ये होता क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इस तरह से होता है, इसको बोला जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स नहीं होता जनरली सब बोलते थे, यहाँ डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स एक अलग बात होगी, यानी कि जैसे कि डी डी एक्स ऑफ वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, परंतु सब के साथ गलती से यही लिखते हैं डी वाई बाई
dx, ये y अलग है, ये d dx ऑफ y, जिसका भी डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वो d dx बोला जाता है, d dx ऑफ y बोलते हैं, यहाँ हम d y by dx। ये क्वेश्चन जो पॉइंट बन रहा है वो इंटरव्यू में ज़्यादातर बनता है, क्या ये बराबर हैं? ठीक है, लिखते तो यही हैं, ज़्यादातर यही गलती करते हैं, यही लिखते आते हैं, परंतु डी डी एक्स ऑफ वाई है, डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, परंतु वो एक मिस्टेक पॉइंट है, गलत पॉइंट है, वो नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में आप बोलते हैं गलत, गलत बोलते हैं, गलत पढ़ाते हैं, गलत लोग पढ़ते हैं, तो उसमें समस्या तो है, या डिफेंसिस फिर जिसको इस पॉइंट का नहीं होगा, इंटरव्यूज में जाएगा, एन वी एस के बी एस वगैरह में, वहाँ पर ज़्यादा सर्च वाले पॉइंट पूछे जाते हैं, तो वहीं पे कहेंगे कि भाई ये बताओ डी वाई बाई डी एक्स लिख के बताओ, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो आप वैसे ही लिखेंगे, है ना, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या ये बीच में है, आंसर है, क्या है, नहीं मालूम तो बता ही देंगे, हाँ भाई डी यही है, जनरली यही होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी वाई का एक्स के साथ एक्स अपकला। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आगे के लिए इंटरव्यूज वगैरह के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इस पे जो है छोटे छोटे फॉर्मूलाज बनेंगे, है ना, फॉर्मूलाज तो मालूम ही होंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन होता है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का होगा जीरो। ठीक है, कॉन्स्टेंट का हमेशा जीरो ही होता है, कोई कॉन्स्टेंट हो, इसी टर्म में आगे हम इसके और फॉर्मूलेस देते रहेंगे।